आज जो तारीख हो चुकी है 12 जनवरी, आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सब आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 10 बड़ी खबरें और 10 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं सूर्य आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 10 बड़ी खबरों का मैं बताऊंगा, तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सभी 10 बड़ी खबरों की, तो जो सबसे पहले बड़ी खबर निकल कर आती हुआ थी आईपीएल की दूसरी ट्रेड विंडो को लेकर। दरअसल फाइनली अब आईपीएल 2023 के एडिशन की यहाँ पर दूसरी ट्रेड विंडो शुरू हो चुकी है, जहां पर बीसीसीआई ने और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने ऑफिशियल कर दिया कि अब यहाँ पर दूसरी ट्रेड विंडो अब जनवरी से शुरू हो चुकी है, जो कि यहाँ पर मार्च के मिड मार्च तक चलेगी, ऑलमोस्ट 15 मार्च तक अब ये ट्रेड विंडो चलेगी। इस दूसरी ट्रेड विंडो में हमें यहाँ पर पहली ट्रेड विंडो के कंपेयर में कम ट्रेड देखने को मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि 3 से 4 खिलाड़ी यहां पर इस ट्रेड विंडो में एटलीस्ट ट्रेड हो जाए। तो इस ट्रेड विंडो को लेकर आज आपको आगे इस वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो आप वीडियो लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि हमारे यूट्यूब चैनल पर इस तरह की आप इंफॉर्मेशन यहां पर मिस ना कर पाए। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की, तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है आईपीएल के शेड्यूल को लेकर। दरअसल आईपीएल का शेड्यूल बीसीसीआई ने ऑलमोस्ट तैयार कर लिया, लेकिन अब भी बीसीसीआई को यहां पर 3 स्टेट की तरफ से यहां पर एनओसी मिलने का वेट है, जहां पर महाराष्ट्र से इसके साथ ही राजस्थान इसके साथ ही यूपी से यहां पर अभी तक बीसीसीआई को और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को एनओसी नहीं मिली, यानी यहां पर मुंबई इसके साथ ही राजस्थान और लखनऊ सुपर जायंट्स के होम ग्राउंड को लेकर इनके स्टेट्स ने अभी तक एनओसी नहीं दी है, कुल मिलाकर अभी तक परमिशन नहीं मिली। और अगर यहां पर मुंबई इसके साथ ही यहां पर राजस्थान और अगर लखनऊ में मुकाबले नहीं होंगे तो इन तीनों टीमों को यहां पर काफी बड़ा नुकसान होगा। स्पेशली इन टीमों ने यहां पर ऑक्शन में ऐसा स्क्वाड बिल्ड किया जो कि इनके होम ग्राउंड में यहां पर अच्छा प्रदर्शन कर सके, अपने होम ग्राउंड के अकॉर्डिंग इन्होंने यहां पर अपना स्क्वाड बिल्ड किया है। इसके साथ ही यहां पर अपने होम क्राउड के सामने ना खेलना इन टीमों के लिए एक बुरी खबर हो सकती है। तो कुल मिलाकर यहां पर लगातार बीसीसीआई के प्रयास के बाद भी अब तक यहां पर महाराष्ट्र राजस्थान इसके साथ ही यहां पर उत्तर प्रदेश की सरकारों ने अब तक यहां पर एनओसी नहीं दी। अब जल्दी यहां पर एनओसी को लेकर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और आप कमेंट करके बताइए अगर इन 3 स्टेट्स की तरफ से एनओसी नहीं मिलते तो कौन से स्टेडियम्स में आखिर इन टीमों के होम मैचेस होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहां पर तीसरी बड़ी खबर की, तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है सौरव गांगुली की तरफ से। दरअसल सौरव गांगुली दिल्ली कैपिटल्स के नए डायरेक्टर बने, 3 साल के लिए दिल्ली कैपिटल्स के डायरेक्टर के रूप में आईपीएल में नजर आएंगे। और डायरेक्टर बनने के बाद इन्होंने कल पहली अनाउंसमेंट कर दी, उन्होंने बता दिया कि ऋषभ पंत इस आईपीएल एडिशन में अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल पाएंगे। हालांकि ये लगभग 10-20 दिन पहले ही ये क्लियर हो गया कि ऋषभ पंत इस साल यहां पर नहीं खेल पाएंगे, लेकिन अब यहां पर सौरव गांगुली ने यहां पर ऑफिशियल कर दिया। तो कुल मिलाकर अब इस साल ऋषभ पंत का खेलना यहां पर ऑफिशियल हो चुका है, इस आईपीएल एडिशन में अब खेल नहीं पाएंगे, इस साल ये आईपीएल से कंप्लीटली बाहर रहेंगे। आप कमेंट करके बताइए आप रिप्लेसमेंट के तौर पर यहां पर कौन से खिलाड़ी को आखिर दिल्ली कैपिटल्स में देखना चाहते हो। बात कर लेते हैं यहां पर चौथी बड़ी खबर की, तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है यहां पर ट्रेड के अपडेट को लेकर। दरअसल दूसरी ट्रेड विंडो में हाल फिलहाल जो बड़ी यहां पर ट्रेड की यहां पर खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है राजस्थान और पंजाब की टीमों को लेकर। दरअसल यहां पर काफी बड़े बड़े सोर्सेस ने यह बताई कि यहां पर राजस्थान की फ्रेंचाइजी ने पंजाब के साथ ट्रेड के लिए अप्रोच किया, जहां पर राजस्थान के देवदत्त पाडिक्कल को यहां पर ये टीम शाहरुख खान के बदले ट्रेड करना चाहती, जहां पर राजस्थान में ऑलरेडी काफी अधिक ओपनर्स काफी अधिक टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, इसी वजह से ये टीम पाडिक्कल को पंजाब में भेजना चाहती है और पंजाब के ऑलराउंडर शाहरुख खान को अपनी टीम में लेना चाहती है, ताकि इस टीम को एक और फिनिशर मिल जाए, एक और ऐसा प्लेयर मिल जाए जो कि इस टीम के लिए गेंदबाजी बल्लेबाजी कर सके, टीम में बैलेंस ला सके। तो इस वजह से राजस्थान ने यह प्रपोजल दिया। अब ये टोटली पंजाब पर डिपेंड करता है कि पंजाब की टीम इस प्रपोजल को आखिर एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं, आखिर पाडिक्कल के बदले यहाँ पर शाहरुख खान को आखिर ट्रेड करती है या फिर नहीं। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड ये होनी चाहिए या फिर नहीं, और अगर ये ट्रेड होती है तो कौन सी टीम को नुकसान कौन सी टीम को फायदा यहाँ पर होगा, आप कमेंट जरूर करें। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पांचवी बड़ी खबर की, तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती होती है जियो की तरफ से। दरअसल कल जियो ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट करी, इससे सभी फैंस को यहाँ पर काफी बड़ी खुशखबरी मिली, जहां पर जियो ने अनाउंस कर दिया कि आईपीएल 2023 का एडिशन यहाँ पर जियो सिनेमा पर टोटली फ्री रहेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर आईपीएल का ऑक्शन जियो सिनेमा पर यहाँ पर सभी यूजर्स के लिए, अगर हम बात करते हैं वोडाफोन की, एयरटेल की, वीआई की, सभी यूजर्स के लिए यहाँ पर फ्री था, उसी प्रकार से अब आईपीएल का एडिशन भी टोटली फ्री रहेगा। तो जियो सिनेमा पर आप आईपीएल का एडिशन इस साल टोटली फ्री देख सकते हो, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। आप कमेंट करके बताइए आप मोबाइल में या फिर टीवी में आप कहां पर आईपीएल के मुकाबले देखोगे। अब बात करते हैं छठी बड़ी खबर की,
तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है कि यहाँ पर आईपीएल की टेलीकास्टिंग में, यहाँ पर टेलीकास्टिंग को लेकर, दरअसल आईपीएल की टेलीकास्टिंग इस साल यहाँ पर 11 अलग लैंग्वेजेस में यहाँ पर जियो में होगी, जो कि आईपीएल इतिहास में हमें पहली बार यहाँ पर इतनी अधिक लैंग्वेजेस में यहाँ पर टेलीकास्टिंग देखने को मिलेगी। जहाँ पर स्टार स्पोर्ट्स मोस्टली 5-6 लैंग्वेजेस में आईपीएल को टेलीकास्ट करता था, इसके साथ ही हॉटस्टार पर भी 5-6 लैंग्वेजेस में आईपीएल टेलीकास्ट होता था, लेकिन जियो सिनेमा पर यहाँ पर 11 लैंग्वेजेस में आईपीएल टेलीकास्ट होगा। तो कुल मिलाकर फैंस के लिए ये बड़ी खुशखबरी। आप कमेंट करके बताइए आप यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज में आखिर आईपीएल को जियो सिनेमा पर यहाँ पर देखोगे। अब बात कर लेते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है यहाँ पर साउथ अफ्रीका में चल रही SA20 के नए नियमों को लेकर, जो कि साल आईपीएल में अप्लाई हो सकता है। दरअसल SA20 में यहाँ पर 3 से 4 ऐसे नियम है जो कि साल आईपीएल एडिशन में हमें यहाँ पर अप्लाई होते हुए दिखेंगे। जो पहला नियम है वो है यहाँ पर टॉस के बाद प्लेइंग 11 रिवील करने का। दरअसल SA20 लीग में ये नियम है कि टॉस हो जाने के बाद दोनों कप्तान अपनी प्लेइंग 11 रिवील करेंगे। यहाँ पर कुल मिलाकर टॉस के बाद अगर जो टीम टॉस हारती है तो वो टीम यहाँ पर अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकती है। तो कुल मिलाकर टॉस के बाद यहाँ पर प्लेइंग 11 डिसाइड करी जाएगी, जो कि काफी सही नियम है। इसके साथ ही जो यहाँ पर करंटली दूसरा नियम रहेगा वो रहेगा स्लो ओवर रेट को लेकर। दरअसल यहाँ पर SA20 लीग में स्लो ओवर रेट को लेकर भी एक बढ़िया नियम है। अगर यहाँ पर स्लो ओवर रेट होती है तो यहाँ पर आखिरी के ओवर्स में अगर 90 मिनट में 20 ओवर कंप्लीट नहीं होते तो यहाँ पर 90 मिनट कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर सारे फील्डर्स में से, अब यहाँ पर जो बाउंड्री के पास फील्डर है उनमें से एक एक्स्ट्रा फील्डर को सर्कल में भेजना होगा। कुल मिलाकर अगर मुंबई की टीम यहाँ पर चेन्नई के खिलाफ 90 मिनट में 20 ओवर कंप्लीट नहीं कर पाती है और 90 मिनट में केवल 18 ओवर कंप्लीट होते हैं तो बचे हुए दो ओवर में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फील्डर 30 यार्ड के सर्कल में रहेगा। इसके बाद जो अगला नियम है वो यहाँ पर बोनस पॉइंट को लेकर। दरअसल यहाँ पर बल्लेबाजी टीम अगर 16 ओवर से पहले मैच को फिनिश कर देती है तो बल्लेबाजी टीम को यहाँ पर बोनस पॉइंट मिलेगा। इसके साथ अगर गेंदबाजी टीम अगर यहाँ पर बल्लेबाजी टीम को यहाँ पर 40 या फिर उससे अधिक रनों से हरा देती है तो यहाँ पर इस टीम को इस स्थिति में यहाँ पर बोनस पॉइंट मिलेगा। तो कुल मिलाकर इस बोनस पॉइंट से अब आईपीएल में यहाँ पर नेट रन रेट का ज्यादा यहाँ पर इशू नहीं रहेगा। टीमें यहाँ पर बोनस पॉइंट से यहाँ पर प्ले ऑफ्स में क्वालिफाई हो पाएगी। तो कुल मिलाकर काफी सही ये नियम है। तो आप कमेंट करके बताइए आपको इन नियमों में से कौन सा नियम सबसे बढ़िया लगा। बात कर लेते हैं आठवीं बड़ी खबर की। तो आठवीं बड़ी खबर निकल कर आती है भारत श्रीलंका के यहाँ पर आज होने वाले दूसरे वनडे मुकाबले को लेकर। दरअसल आज दोपहर 1:30 बजे से हमें भारत और श्रीलंका के बीच अब दूसरा वनडे मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां पर विराट कोहली ने पिछले दो वनडे मुकाबलों में लगातार 2 शतक जड़े। आज विराट कोहली के पास मौका है कि लगातार तीसरा वनडे का शतक जड़ दे। पिछले मुकाबले में यहाँ पर रोहित शर्मा, इसके साथ ही यहाँ पर शुभमन गिल का भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था। तो उम्मीद है कि आज रोहित शर्मा की तरफ से भी हमें शतक देखने को मिला। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या विराट कोहली आज तीसरा लगातार शतक जड़ पाएंगे या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नवी बड़ी खबर की। तो नवी बड़ी खबर निकल कर आती है पृथ्वी शो की तरफ से। दरअसल पृथ्वी शो ने रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में यहाँ पर कल यहाँ पर इन्होंने 379 रन बनाए, जहाँ पर 382 बॉल्स में इन्होंने 379 रन बनाए और यहाँ पर 400 रन बनाने से ये केवल 21 रन दूर रहे। तो अपना 400 रन का एक बड़ा कीर्तिमान ये यहाँ पर काफी कम मार्जिन से मिस कर गए, लेकिन आईपीएल से पहले इस प्रकार का इनका फॉर्म दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी बड़ी खुशखबरी। अब बात करते हैं दसवीं बड़ी खबर की। तो दसवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है श्रीलंका के हेड कोच की तरफ से। दरअसल श्रीलंका के हेड कोच सिल्वरवुड ने यह कहा है कि यहाँ पर दक्षिण शनका को कोई ना कोई टीम कन्फर्म रूप से आईपीएल से पहले किसी ना किसी प्रारूप में अपनी टीम में शामिल करेगी। इन्होंने बताया कि यहाँ पर जिस प्रकार की यहाँ पर फॉर्म में, जिस प्रकार से इनका करंटली लक और फॉर्म है, उस फॉर्म को देखते हुए यहाँ पर कोई ना कोई टीम इनको यहाँ पर कन्फर्म रूप से अपनी टीम में आईपीएल 2023 के एडिशन के लिए शामिल करेगी। तो कुल मिलाकर दक्षिण शनका यहाँ पर इस साल हमें हो सकता है कि यहाँ पर अब किसी ना किसी टीम की तरफ से यहाँ पर खेलते हुए देखा। आप कमेंट करके बताइए आप कौन सी टीम में दक्षिण शनका को आखिर आईपीएल 2023 के एडिशन में देखना चाहते हो। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।